नमस्कार साथियों। तो आज एक बार फिर हम आपको एक दुखद खबर लाए हैं दोस्तों। यह बात 27 और 28 जनवरी की लगभग है दोस्तों। दतिया जिले के किसी एक गांव में दोस्तों रोड पर दोस्तों ऑटो चालक चाकू से मारकर दोस्तों और बोरे में भरकर दोस्तों किसी रोड के किनारे वो फेंक गए। अब दोस्तों वो राजवीर वकील बताए जा रहे हैं। अब दोस्तों मैं यह बताना चाहूँगा कि आए दिन दोस्तों हमारे समाज पर कुछ ना कुछ बातें होती जा रही हैं दोस्तों। अभी अभी फ़िलहाल में दोस्तों सीता बघेल दोस्तों भिंड के सीता बघेल दोस्तों उन्होंने समझ के लिए वो जैसे खेतों वगैरह में जा रही थी तो मतलब उन्हों को भी हत्या कर दी गई। तो दोस्तों मैं यह बोलना चाहूँगा कि दोस्तों हमारे समाज के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं लेकिन दोस्तों कोई दोस्तों मैं तो यह बोलना चाहूँगा कोई राजनीति करे तो लगभग कोई कुछ कह ही तक नहीं रहा यार। अपने समाज के भी नेतागण कुछ नहीं कह रहे हैं, बाकी के कुछ नेतागण कुछ नहीं कह रहे दोस्तों। हमारी समाज पर आजकल इतने अत्याचार होते जा रहे हैं, इतने पिछड़ी हमारी समाज होती जा रही है। जो लोग दोस्तों कहते हैं कि हमारी जात बिल्कुल पिछड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है, भूसा नहीं है, बोझड़ी वाले, अब काय नहीं कह रहे तुम, जा बताओ अब क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? इस बारे में बोलो, इस बारे में कहो कुछ कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। भाई साहब हम हकीकत बोल रहे हैं कि अगर हमारे नेता अगर हमारे साथ होते, हमारे समाज के साथ होते तो बहुत कुछ हो सकता था। तो हम तो देखो कुछ कर नहीं पाएंगे। देखो अगर होगा तो हम लोग साथ मिलकर होगा, वरना कुछ नहीं होगा। हम हकीकत बात बोल रहे हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि देखो ताकत होती है इस खुली मुट्ठी, इस खुले खुली है तो इसमें कोई ताकत नहीं। अगर ये ऐसी हो जाएगी तो उसमें ताकत आ जाएगी दोस्तों। तो बस यही बोलूँगा कि एक दूसरे का संग बनाए रखिए। और क्या बोल सकते हैं दोस्तों, आए दिन खबरें आती रही हैं कि दोस्तों ऐसा हो रहा है, हमारे समाज में वैसा हो रहा है। दोस्तों क्या करें दोस्तों, एकता है ही नहीं। तो बस यही बोलूँगा दोस्तों, साथ मिलकर चलिए, समाज को ठीक है दोस्तों। दोस्तों प्लीज़ मुझको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद।